डांगरपुरा का रिपोर्ट कार्ड दोस्तों, डांगरपुरा का ये वीडियो है। आज आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और हर एक डांगरपुरा के बाशिंदे को इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने एक्सपोज किया है डांगरपुरा के एडमिनिस्ट्रेशन को। आज के इस वीडियो में हमने डांगरपुरा की एनालिसिस की है, डांगरपुरा में कितनी डेवलपमेंट अभी तक हुई हो और कितनी होनी बाकी है, इसका पूरा डिटेल्ड वर्जन हम आपके लिए लाए हैं आज। और आपके साथ हम बात करना चाहते हैं डांगरपुरा विकास के बारे में। ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत इंपॉर्टेंट था आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज गश्त कर रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो आपके सामने पेश कर रही है। इस बीच डांगरपुरा के लोगों को अपना वोट किस पार्टी को देना चाहिए, किस इंसान को देना चाहिए, पहले डांगरपुरा को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डांगरपुरा की असल नीड जो है वो क्या है। खैर, डांगरपुरा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अपने दो एक्स एमएलएज रह चुके हैं, एक का नाम हाजी अशरफ गनाई साहब है, दूसरे हैं अब्दुल रशीद डार साहब। दोनों के फोटोज आपको मेरे स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। दर्शकों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कुछ पिछले टाइम से हमने देखा कि डांगरपुरा के जो वोट्स हैं डिवाइड हुए कुछ अलग अलग पार्टीज में, मगर मेजरली यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि पिछले कुछ सालों पहले यहाँ पे दो ही पार्टीज के बीच में खुलकर टक्कर हुआ करती थी, वो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा हाजी अब्दुल रशीद डार की, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और हाजी अशरफ गनाई को वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनके शासन में डांगरपुरा में कौन कौन से विकास हुए और कौन 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 से विकास रह गए, आइए इस पर एक छोटा सा रिपोर्ट देखते हैं। ये डांगरपुरा की सड़कों की स्याह हकीकत है। एक ऐसा गांव जहां ZDO भी है, हायर सेकेंडरी भी, BDO भी और तहसील भी, मगर फिर भी यहां के लोग बहुत परेशान हैं। आइए देखते हैं आखिर इनकी परेशानी की वजह क्या है। को तहसील का दर्जा भी प्राप्त है, यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी भी है, यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी है, यहाँ पे जोनल एजुकेशन ऑफिसर भी है, मगर इन सब के बीच भी यहाँ पे नाकामी के बहुत बड़े चेहरे छुपे हैं। डांगरपुरा में एक से बढ़कर एक नाकामियों के नमूने हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डांगरपुरा की सफाई की, और जरा इस वीडियो को गौर से देखिए और पहचानिए इस जगह को, आखिर ये जगह है किस, डांगरपुरा की किस जगह की है, और इस चीज पर आपकी टिप्पणी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कहां डांगरपुरा एक मॉडल विलेज कहलाने का दर्जा रखता है, मगर ये तस्वीरें देख के इंसान का दिमाग चौंक जाता है। जहां एक एक्स एमएलए के बाहर उसके दामन में इतना कूड़ा करकट जमा है, मानिए होश उड़ जाते हैं। कैसे एक एक्स एमएलए के बाहर इतना गंद जमा हो सकता है और उसने अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं किया है। ऐसे एमएलए से आप कैसे गुजारिश कर सकते हैं, ऐसे एमएलए से आप कैसी उम्मीद रख सकते हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने इलाके को साफ रखने में समर्थ है। ये डांगरपुरा का अड्डा है और ये हाल देखकर इंसान परेशान हो जाता है। आखिर डांगरपुरा का मेन अड्डा ही अगर संक्रमित है, बाकी इलाके का क्या नाम। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये जो जगह है ये डांगरपुरा का मेन अड्डा है, बिल्कुल हमारे एक्स एमएलए जो है हाजी अशरफ गनाई साहब, उनके गेट के बाहर का जो ये नजारा है, ये जो पूरा करकट है ये उनके दामन में पसरा है। आप खुद अंदाजा लगाइए, एक एक्स एमएलए जो रह चुके हैं और उनकी बाहर मतलब दरवाजे से बाहर निकलते ही उनके दामन में, आप ये यूं समझ लीजिए आंगन में कितनी गंद बसी है, और यही है डांगरपुरा का चेहरा, क्योंकि यही डांगरपुरा में अड्डा भी है, मेन अड्डा डांगरपुरा का ये है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से गंदगी भरी हुई है, क्या ये शासन है दोस्तों। चलिए हम आपको डांगरपुरा का और एक चेहरा दिखाते हैं, डांगरपुरा की और एक चेहरे से हम आपको रूबरू कराते हैं, जहां पे आप देखेंगे कैसे डांगरपुरा के लोग ही डांगरपुरा को पोल्यूट कर रहे हैं, डांगरपुरा के लोग ही डांगरपुरा को प्रदूषित कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसा विजुअल दिखाना चाहते हैं जहां पे बहुत सारे लोग कलेक्टिवली एक ही जगह पर कूड़ा डाल रहे हैं। आइए इस विजुअल को पहले गौर से देखिए। यहां पे दोष सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, बल्कि यहां के लोग भी समान तरीके से इस चीज के जिम्मेदार हैं। आप देखिए किस तरह से ये कूड़ा करकट जमा है, और मान ही लीजिए कितनी बीमारियां इस चीज से पनपती होंगी। दर्शकों, मुझे उम्मीद है आपने इस विजुअल को भी गौर से देखा होगा। अब दूसरी तरफ रुख करते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बेकार है। मैं आपको एक ड्रेन दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कि कितना कूड़ा करकट जमा है। इस विजुअल को भी आप गौर से देखिए, मगर हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस ड्रेन के, इस गटर के बिल्कुल सामने एक स्कूल है, AFI मॉडल हाई स्कूल जिसका नाम है, बट उसके पीछे बिल्कुल ये गटर देखिए। तो क्या ये बच्चों की सेहत के साथ नाइंसाफी नहीं, क्या ये बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं, आइए देखते हैं। अब यहाँ गौर फरमाइए,
देखिए कैसे एक गटर में बहुत ज्यादा गंद भरी है और इसी से लगकर एक स्कूल भी है जिससे जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और क्या मान लीजिए, इन बच्चों के साथ इन बच्चों का सेहत सुरक्षित है, कैसे इन बच्चों की सेहत के साथ नाइंसाफी की जा रही है और इन बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर इस इतने बड़े कूड़े करकट के साथ, इतने ज्यादा कूड़े करकट के साथ हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? जगह को आपने पहचान ली, इसी जगह की दूसरी खबर में हम आपको बता दें कि डांगरपुरा का बहुत बड़ा डांजा यहाँ भी खड़ा है। कम्युनिटी हॉल के नाम से एक बिल्डिंग वहाँ बनी तो है, मगर कम्युनिटी हॉल का आज का क्या हाल है, चलिए देखें। सन्नाटे से लथपथ ये इमारत आपको नजर आ रही होगी। दर्शकों को बता दी, ये कम्युनिटी हॉल है और कम्युनिटी हॉल अभी तक अबंडन पड़ा है। इस पर अभी तक ताला लगा हुआ है, इसको अभी तक यूज में नहीं लाया गया है। कहा यह भी जाता है वहाँ पे ड्रग पेडलर्स, ड्रग एडिक्ट्स आते हैं और जो वहाँ पे नशीली पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट किस चीज का इंतजार कर रही है? अब लोगों से गुजारिश है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और इन सवालों पर जवाब मांगे जाने चाहिए। कम्युनिटी हॉल और कम्युनिटी हॉल का आपने बिल्कुल हाल देख लिया है, कम्युनिटी हॉल का क्या हाल है। इसके बाद हम डायरेक्ट रुख करते हैं डांगरपुरा की सबसे बड़ी नाकामी के बारे में, जो यहाँ पे आज से मतलब कहिए सदियों पहले बनना स्टार्ट हुआ, मगर तारीफ उन कारीगरों की, तारीफ उसे बनाने वालों की, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। आपको समझ आ रहा होगा मैं बात कर रहा हूँ डांगरपुरा के अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल की। चलिए एक खबर हमने डांगरपुरा हॉस्पिटल की भी ली है। हालांकि हॉस्पिटल में जाया जाता है पेशेंट्स की खबर लेने के लिए, मगर बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमें हॉस्पिटल की खबर लेनी पड़ी। चलिए देखते हैं रिपोर्ट। अब जरा इस जगह को गौर से देखिए। दरअसल ये एक अस्पताल था, इसको अस्पताल की मंशा से बनाया गया था, मगर सदियां बीत गई, ये अस्पताल नहीं बना। अब ये अस्पताल ड्रग एडिक्ट्स के काम आ रहा है, ड्रग पेडलर्स के काम आ रहा है। यहाँ पे ना जाने कितने अवैध चीजें होती हैं और अवैध कारोबार होते हैं। आप देखिए किस तरह से इस अस्पताल से अस्पताल की तोड़ फोड़ की गई है और यहाँ की चीजों को तहस नहस किया गया है। आखिर उन वोट मांगने वालों से आप पूछिए हमारा अस्पताल कहाँ है, उनसे पूछिए हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कहाँ है, उनसे सवाल करिए, आपका अधिकार है सवाल पूछना। आप देखिए किस तरह से इस अस्पताल को तहस नहस किया गया है और पिछले कई सालों से इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। यहाँ पे टूटे फूटे दरवाजे आप देखिए, तोड़ फोड़ किस तरह से की गई है और यहाँ इस मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, इस मामले पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही। आखिरकार हमारे डांगरपुरा वासियों के साथ इतनी ज्यादा ज्यादती क्यों हो रही? अगर हमारे अपने दो MLA थे तो उन्होंने अभी तक इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? क्यों यहाँ के लोग दर बदर भटक रहे हैं? आज आपसे ये सवाल पूछ रहा है इंडिया 24। आप भी उन वोट पूछने वालों से पूछिए, वोट मांगने वालों से पूछिए कहाँ है और इसके पीछे क्या राज। दोस्तों आपने देखा होगा कि डांगरपुरा के हॉस्पिटल का क्या हाल है। उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं डांगरपुरा को अलॉट हुई थी एक कंप्यूटर लैब, बट एक ये कंप्यूटर लैब अभी सिविल जिनका ये लैंड है उनके पोजीशन में है और इनके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने इस गवर्नमेंट बिल्डिंग को ऑक्यूपाई किया है और गवर्नमेंट ने, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वहाँ उस टाइम की सरकार थी, बिल्कुल केयरलेसनेस से काम किया है और डांगरपुरा को एक बहुत बड़ी नियामत से महरूम रखा। आप में से ज्यादातर लोग इस बिल्डिंग से वाकिफ नहीं होंगे। दरअसल ये कंप्यूटर लैब थी जो डांगरपुरा को अलॉट हुई थी, मगर केयरलेसनेस की वजह से अभी तक इसको यूज में नहीं लाया गया। अब रोड कनेक्टिविटी की भी बात करते हैं। डांगरपुरा के मैक्सिमम रोड जो है मैग्नमाइज है, मगर कुछ रोड ऐसे भी है जिन पर अभी किसी की नजर नहीं पड़ी है, शायद प्रशासन सो रही है या ये उनके मैप में नहीं आता। आइए इस रोड को देखिए और देखिए इसकी हालत क्या है और हमारा सवाल सिर्फ एक, आखिर इस रोड पर कब होगी मैग्नमाइजेशन। तरक्की और डेवलपमेंट के नाम पर वोट लेने वालों से पूछिए क्या ये रोड की हालत है, कैसे इस रोड को खस्ताहाल छोड़ दिया है और पिछले कई सालों से इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। क्या यही हमारी डेमोक्रेसी है? इसलिए हमें वोट डालना चाहिए, इसलिए हमें आपकी सरकार बनानी चाहिए। जरा उन डेमोक्रेसी के ठेकेदारों से पूछिए, उन वोट के अधिकारों से पूछिए कि अगर हम आपको वोट देंगे क्या हमारी सड़कें ठीक हो सकती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24 स्टूडियो। दर्शकों आपने देखा हमने डांगरपुरा का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की कोशिश की, डांगरपुरा के कुछ तथ्यों पर बात करने की हमने कोशिश की, मगर आपके मोहल्ले में आपके एरिया में अगर कोई खामी है या आप चाहते हैं कि किसी चीज पर बात की जानी चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप अपने एरिया के बारे में बताइए, उससे जुड़ी नाकामी के बारे में हमें बताइए, हम जरूर उसके बारे में बात करेंगे और वहाँ उसके भी कवरेज हम डेफिनेटली चलाएंगे।
क्योंकि अब इस टाइम वोटिंग का समय है, इलेक्शन होने वाला है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है और ये 10 साल के बाद जो होने वाला इलेक्शन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके वोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, अपने वोट्स का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अपने वोट्स का इस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सिक्योर हो सके, हमारा भविष्य जो है वो अंधेरे में ना हो और इस तरह के रिजल्ट्स हमारे पास ना हो। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। खुदा।